Hello, Bacho. Let's read the question. The question is saying Select the correct set of animals of true mammals. Option are given as Option A, lion, hippopotamus, penguin, and bat. Option B, lion, bat, whale, well, and ostrich. Option C is hippopotamus, penguin, whale, well, and chelon. And Option D is well, flying fox, kangaroo, and hippopotamus. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यूनिक फीचर और कैरेक्टर ऑफ मैमल्स तो अगर हम मैमल्स के यूनिक फीचर की बात करें तो वो क्या होगा वो ये प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड अगर हम बात करें व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड तो मेमोरी ग्लैंड आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मिल्क यानी अगर किसी एनिमल में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट है तभी हम उसको मैमल्स कहेंगे वरना नहीं कहेंगे चाहे वो क्रॉ चाहे वो ऑर्गेनिज्म जो वो वाटर में रहे लैंड में रहे या फिर वो फ्लाई करे ना करे इट डजेंट मैटर वो रन करे स्विम करे कुछ भी करे इसमें प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होना चाहिए तभी तो हम उसको मैमल कहेंगे तो अगर हम ऑप्शन का एनालिसिस करें तो ए में क्या दिया हुआ है लायन लायन क्या है लायन में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होता है तो ये एक मैमल है अगर हम बात करें हिपोपोटोमस की तो हिपोपोटोमस क्या है हिपोपोटोमस भी एक मैमल है क्यों क्योंकि इसमें भी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होता है अगर हम बात करें पेंग्विन की तो पेंग्विन क्या है ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है मतलब जो उड़ नहीं सकता ऐसा बर्ड अगर बात करें बैट की तो बैट भी एक मैमल है पर ये कैसा मैमल है फ्लाइंग मैमल है मतलब उड़ सकता है अगर सेम हम बात करें वेल की तो वेल क्या है ये एक एक्वेटिक मैमल है एक्वेटिक अगर हम बात करें ऑस्ट्रिच की तो ऑस्ट्रिच क्या है ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है फ्लाइटलेस बर्ड अगर हम बात करें फ्लाइंग तो तो ये, ये भी एक मेगा बैट्स है मेगा बैट्स जो क्या है जो कि एक मैमल है अगर हम बात करें कैंगारू की तो ये कैसे ये क्या ये मार्शुपिल्स है ये मार्सुपल्स है मार्सुपिय मतलब जिनके एबडोमन के पास एक पाउच प्रेजेंट होता है जिसमें बच्चा जो होता है वो रहता है वहीं से वो सक करता है मदर के अंगारू के निपल्स यानी जो अंडर डेवलप बच्चा होता है उसको उस पाउच में रखा जाता है ताकि वो फुल्ली डेवलप कर सके तो ये क्या है ये भी मैमल है अगर हम बात करें चिलौनी की तो चिलौनी क्या है चिलोनी यानी चिलोनी आइए क्या ये टोटल की स्पीशीज है सो so पूछा गया इसमें कौन से ट्रू मैमल्स है तो आइए देखते हैं ऑप्शन डी वेल ट्रू मैमल है फ्लाइंग फॉक्स ट्रू मैमल है कंगारू ट्रू मैमल है भी ट्रू मैमल है सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी दैट इज वेल फ्लाइंग फॉक्स कंगारू एंड एंडपोकोटामस सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक